मेरा नाम ज्योति पाटीदार है। मैं उज्जैन उपासना केंद्र से जुड़ी हुई हूँ। बापू जी का मेरे जीवन में आना एक अद्भुत अनुभव है। मैं 2010 से बापू जी से जुड़ी हुई हूँ। तब मतलब जुलाई 2010 उस समय गुरु पूर्णिमा आने वाली थी और मेरे मन में ये चलता था कि इस बार मुझे गुरु नाम लेना है, लेकिन ऐसा तय नहीं था कि मैं किससे लूँ क्या, ऐसा मेरे मन में चल रहा था। वो दिन एक महीने हो गए थे मुझे ऐसा सोचते हुए, और उसके पहले मैं एक गुरु जी थे उनको ऐसा मतलब उनको मानती थी, तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया था कि मेरे गुरु मुझे सपने में आए थे। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मुझे भी ऐसे गुरु मिले जो मुझे सपना दे, पहले मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे, मतलब मुझे गुरु को कैसे पहचानूंगी मैं। तो फिर हमारे पड़ोस में संध्या जी जो पहले से बापू भक्त थी, उन्होंने बताया कि मेरे यहाँ गुण संकीर्तन है, भाभी आप थोड़ी देर के लिए आना। जब पहली बार हमारे यहाँ मतलब गुण संकीर्तन था, मैंने बोला ठीक है। फिर मैं इनके इधर गुण संकीर्तन प्रोग्राम में शामिल हुई, बापू जी के बारे में पता चला। तब मुझे उनके अनुभव उस समय मतलब बापू जी के बारे में जो भी चीज़ें मुझे पता चली उससे मेरे मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मुझे इन्हीं की तलाश थी, मतलब मुझे बापू जी मिल गए ऐसा मुझे लगा। तब से उसी साल से हमारे यहाँ उपासना केंद्र प्रायोगिक हुआ। फिर हम वैसे उपासना करते रहे बापू जी की। पहली बार हमारे यहाँ जब विशाल भैया पूजा करवा, उनके द्वारा जो पूजा पादुका पूजन आंटी जी के इधर रखा गया पड़ोस में, हमने करा। उस पूजा को देख के ऐसा भाव मतलब मन में आया कि कैसे मतलब अपन अभी तक क्या कर रहे थे, बिल्कुल हड़बड़ाहट से, मंत्र का कोई जाप नहीं, कुछ नहीं। जब बापू जी की वो पहली पूजा देखी, एक एक शब्द प्रेममय तरीके से, ऐसा कि साक्षात बिल्कुल सामने है और अपन बिल्कुल अपने भाव से उनको समर्पित कर रहे हैं हर चीज, और मंत्र से इतना मधुर उच्चारण मतलब उन मंत्रों में कि बिल्कुल श्रद्धा ऐसी अपनी लगे कि बापू जी बिल्कुल सामने बैठे हैं अपने। ऐसे मुझे बापू जी की भक्ति करते करते फिर हर जीवन की हर परिस्थिति में, जीवन तो ऐसा चल रहा था मुश्किलें, आर्थिक शारीरिक मानसिक सभी तरह की परेशानियां उस समय चल रही थी, लेकिन बापू जी ने ऐसी शक्ति दी कि अपने अंदर एक विश्वास आ गया कि अब हम टूटेंगे नहीं मतलब। और भक्ति से ऐसा लगा, उनकी भक्ति से मुझे इतनी शक्ति मिली कि आज हर परिस्थिति में टूटते नहीं है, बस निकल जाते हैं और मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। फिर उसके बाद मेरा पहला अनुभव था, मुझे 10-11 साल हो गए थे। फिर बापू जी का बस मन में ये था कि मुझे दर्शन करना है, बापू जी गुरुक्षेत्र में जाना है। और फिर हमारे पड़ोस में ही संध्या जी को आशीर्वाद मिला था, तो वो बड़ी खलबली थी कि आशीर्वाद लेना है बापू जी का, वो कैसे होंगे। और मेरे को सबसे बड़ी परेशानी है कि यात्रा में मुझे, अगर मैं 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की यात्रा करती हूँ तो उल्टी चक्कर वगैरह मुझे बहुत मतलब हालत खराब हो जाती है मेरी। तो 600 किलोमीटर जाना, बॉम्बे भीड़ भाड़ ये सब देख के मुझे मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं 3-4 साल से ये हर बार गुरु पूर्णिमा पे जाते थे, मैं बस मन छोटा मोटा करती थी मैं जाऊं कैसे जाऊंगी ऐसा चलता था। फिर बापू जी से हर बार प्रार्थना करती थी। और उस साल फिर मैं गई थी, उस समय मेरी बेटी का बर्थडे था, छोटी वाली गुड़िया का, जिससे थोड़ा सुनाई भी कम देता है और बोल नहीं पा रही थी उस समय ठीक से। तो फिर मन में ये था कि मेरे को बापू जी के दर्शन करना है और आशीर्वाद लेना है, मेरे बच्चों को हमको सबको बापू जी के आशीर्वाद मिलने चाहिए, ऐसा मैं मतलब करके गई बापू जी से प्रार्थना की बापू जी मुझे मतलब सुरक्षित मैं पहुंच जाऊं और अच्छे से मुझे दर्शन हो जाए। तो फिर हम गए बापू जी के यहाँ, शाम को अवंतिका से निकले ठीक है, सुबह फिर हम पहुंचे। वहां जाने के बाद में वही मतलब अपने को हड़बड़ाहट तो रहती है, जैसे तैसे वहां गए, फिर सबसे कुछ पता भी नहीं था कैसे जाएंगे क्या करेंगे, बड़ी वो थी। फिर वहां से हम सीधे हैप्पी होम गए, सुबह हम हैप्पी होम पूरा दर्शन किया कुरुक्षेत्र में ये। फिर वहां से पता करा कि भाई बापू जी के दर्शन कब कैसे होंगे, फिर पता चला कि हरिगुरु ग्राम में अपने को बापू जी के दर्शन 5 बजे से वहां पहुंचना है, उसके बाद में अपने को चालू होंगे, बापू जी आएंगे उधर। फिर हम लोग बस दिन भर तैयारी समय रेस्ट वेस्ट किया, फिर बापू जी के दर्शन कर वहां हैप्पी होम होके फिर हम लोग 4-5 बजे वहां पहुंच गए। हम लोग हरि गुरुग्राम में पहुंचे, फिर वहां से हमको अंदर जाने में भी बहुत हुई मतलब बहुत टाइम लगा कैसे क्या जाए बार बार। फिर आंटी जी को इधर फोन कर करके जैसे तैसे हम लोग उधर पहुंच गए। फिर बस वहां बैठे रहे, जो भी मंत्र जाप वगैरह बापू जी का चलता रहता है वहां आने से पहले, वो सब में शामिल हुए आनंदमय तरीके से हमने वो सब चीज की। उसके बाद में
फिर भाई बच्चे थे, बच्ची छोटी थी दोनों साथ में, और फिर हम कुछ तैयारी करके पानी वानी कुछ नहीं, बस वैसे ही चले गए थे कि भाई कैसे भी अब दर्शन करना है अपने को तो बापू जी के, बस वही दिख रहा था। 8 बजे आएंगे, फिर 8, 9, 10 ऐसे हो गए। मैंने कहा बहुत देर हो गई, फिर 10, 10:30 बजे के आसपास बापू जी आए, फिर वहां पे उपासना हुई, पूरी उपासना अटेंड करी, सब हुआ करके 11, 12 बज गए। फिर यही था कि अब दर्शन करना है, किसी को ठीक से कैसे करे जानते नहीं थे, पर बस ये था कि बापू अब सर पे तो हाथ रखना रखना ही है आपको, वो तो कर लेके जाऊंगी, और बच्ची के लिए, मेरी बच्ची का ऐसा था कि बापूजी हाथ रख देंगे मतलब मेरी बच्ची को बिल्कुल उसको सब सही हो जाएगा, वो बोलेगी सुनेगी ऐसा मुझे लग रहा था। फिर जैसे तैसे 1 बज गई, फिर बोले नहीं हाँ तो 2-3 बज जाएंगे। मैंने कहा जो भी बजे लेकिन आज तो मैं आशीर्वाद तो लेके ही जाऊंगी, ऐसा था और होगा, मुझे पूरा विश्वास था कि ऐसा तो होगा नहीं कि बापू जी आशीर्वाद नहीं देंगे। देंगे, मैं अगर इतनी सलामत आई हूँ, एक कोई मुझे उल्टी चक्कर कुछ नहीं, जबकि मैं 50 किलोमीटर में मेरी ऐसी हालत हो जाती है बिल्कुल अच्छी, मैंने रात का समय भी हो गया उतना, उसके बाद तक भी बढ़िया मैं, फिर बापूजी का वो समय आ गया कि हाँ बापूजी के आशीर्वाद मिलेंगे। फिर हम लोग उधर गए, फिर वो कैंपस से जब बापूजी बाहर निकल के आते हैं, फिर सबसे पहले एक दादा खड़े थे, उनको उनको आशीर्वाद दिया, फिर उनसे बोले भी सही, फिर बोला था कि बापूजी से बोलना नहीं है, वो बात कर रहे थे, मैं तो वो सुन के ही मजे आ गए कि चलो भाई। फिर मेरी बड़ी वाली बेटी को आशीर्वाद दिया तो उसकी आंखों से तो बिल्कुल ऐसे झरझर आंसू जा रहे थे, और फिर छोटी वाली को दिया, हम लोगों को सबको सर पे हाथ रखा बापूजी ने। उस समय ऐसा लगा कि क्या मतलब क्या पा लिया अपन ने बापूजी के उस आशीर्वाद में, तो ऐसा लगा कि इतने दिन की भक्ति मेरी सार्थक हो गई। और मेरी छोटी बेटी को उन्होंने सर पे आगे फोरहेड पे हाथ रखे आशीर्वाद दिया, फिर सर पे हाथ रखा, फिर हमको बहुत अच्छा लगा। हम 2-2.5 बजे तक वहां रुके, बापूजी के दर्शन आशीर्वाद सब हुए, फिर और सब बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर हम लोग धर्मशाला पहुंच गए, उसके बाद जब फिर हम लोग मैं सुरक्षित घर पे भी आ गई, मुझे कुछ नहीं हुआ, वो 2-3 दिन की यात्रा के अलावा मुझे कोई कुछ नहीं हुआ, मतलब इतना कभी मैंने जीवन में इतने मेरे इतने सालों में कभी ऐसी यात्रा नहीं की कि मुझे अच्छी सलामत आ जाऊं, मतलब वही 2 दिन तबीयत खराब होना ऐसा, पर उस समय मुझे कुछ नहीं हुआ, एक कैसा अनुभव, और मेरा सब कुछ काम हो गया कि बापू जी के दर्शन हो गए और आशीर्वाद मिल गया, दादा से मुलाकात हो गई, सब जो मैं सोच के गई थी उससे और अधिक ही अधिक मिला मुझे वहां जाने के बाद में। और फिर जब हम लोग घर आए उसके बाद मैंने नोटिस किया कि मेरी बच्ची चीजों को समझने लग गई, मतलब बोलती थी पर वो इतना अच्छा से और समझ नहीं पाती थी। फिर उसके बाद में तो मुझे कोई डर ही नहीं रहा कि मेरी बच्ची अब सुन नहीं पाएगी या बोल नहीं पाएगी, वो बहुत अच्छे से समझती भी है बोलती भी है, और बापू जी की कृपा से बस सब कुछ बढ़िया होता है। हरिओम।